एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझ ली, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामोनिशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतशार। ये अब बुनियादी पॉइंट समझ है। और मैं सारा वक्त अपने लोगों को, जब जिले शाह का इन्होंने तशद्दुद करके उसको कत्ल, उसकी जब डेड बॉडी की तस्वीरें आई, यहां गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की, इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी, सबने कहा जी हम आप करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने, कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ घराओ अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को, मार्च को, जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मैजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मर्ड कार से, बदतर बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़।